हेलो पीपल, इट्स मी शान। कैसे हैं आप लोग? ये मूवी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पहले ही बता रहा हूँ। मैं बस ऐसे ही नॉर्मली देख रहा था और मुझे ट्रेंडिंग में ये वीडियो दिखी है, एंड मैंने अभी बाद में चेक किया तो कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने ये रिकमेंड कर रखी है, मूवी द हाउस नेक्स्ट डोर। तो पहले मुझे स्टार्टिंग में लगा शायद कोई हॉलीवुड मूवी होगी, बट नाम से, बट मैंने थंबनेल वगैरह ध्यान से एनालाइज किया, थंबनेल वगैरह देखा तो इसमें सिद्धार्थ हैं जो रंगदे बसंती में थे, और मैंने सिर्फ वही मूवी देखी है सिद्धार्थ की। आई डोंट नो मच अबाउट हिम, बट हाँ साउथ की मूवीज में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं ऐसा मैंने सुना है। तो दिस इज काइंड ऑफ एन हॉरर मूवी, इट्स 2 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स लॉन्ग ट्रेलर। तो पहले ट्रेलर देखते हैं, फिर देखते हैं किस तरह की हॉरर मूवी है ये, अच्छी हॉरर मूवी है या बस ऐवें है। सो आई डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस वन, बट ओके देखते हैं। दिस ट्रेलर कंटेन्स वेरी फ्राइटनिंग इमेजरी। ओके, पहली डरा दिया। अरे वाह, नाइस, दिस बात वाज वेरी इस नाइस। टिकिंग साउंड पे ध्यान दो, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना है। क्या तुम्हें यह जगह पसंद नहीं है? क्या तुम वापस अपने पुराने घर जाना व्हाट द से जॉनी को कह रही है। ट्रू स्टोरी। डराओ डराओ डराओ। नए पड़ोसी क्या लगता है, इंटरेस्टिंग होंगे? हाय आंटी, मैं जेनी, ये सारा, हम पास वाले घर में रहने आए हैं। हाय लिटिल गर्ल, व्हाट आर यू लुकिंग एट? ओह बॉय, शिट शिट शिट, घर में हो क्या रहा है? I'm a brain surgeon. I'm 100% sure Jenny's not possessed. उसने अपने मन में कुछ कहानियां बनाना शुरू कर दिया है और अब वो इन इमेजिनरी कहानियों को सच मान रही है। डॉक्टर, एक्चुअली इसका कोई मेडिकल इलाज नहीं है। ये ऑब्सेसिव ट्रीटमेंट ही है। ये हमारी जेनी नहीं है। इसके अंदर कुछ रॉन्ग है। शिट मैन। यार तुम लोग कैसी कैसी मूवी की रिक्वेस्ट करते हो यार, मुझे डराने के लिए करते हो ना, मुझे पता है। अब मैं पूरी रात इसी मूवी के बारे में सोचूंगा, इसी ट्रेलर के बारे में सोचूंगा, इसी डरावने सीन्स के बारे में सोचूंगा। अबे यार चलो, एनीवेज कोई बात नहीं। अभी मैंने नोटिस किया लास्ट में तो प्रोड्यूसर में भी सिद्धार्थ का नाम आ रहा है, तो इट्स नाइस कि सिद्धार्थ इस मूवी के लीड हैं और खुद प्रोड्यूस भी कर रहे हैं इस मूवी को। दैट्स नाइस, इंटरेस्टिंग। एंड बच्चे बच्चे इतने डरावने होते हैं, लाइक ये बहुत खराब चीज है। पीपल विल थिंक दैट आई एम सच अ बैड गाय, मैं बच्चों के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी मूवी उठा के देख लो, हॉलीवुड और बॉलीवुड, बच्चों को लेके इतना स्केरी ऐसा बनाते हैं कि मुझे एक्चुअली बच्चों से डर लगने लगा है। एक मूवी आई थी नवाजुद्दीन और बिपाशा बासु की, आत्मा। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने वो देखी है, बट मैंने देखी थी मूवी, और उसमें वो बच्ची मुझे इतनी स्केरी लगती थी ना, मतलब बहुत स्केरी थी वो बच्ची, जो बिपाशा और नवाजुद्दीन की बेटी बनी थी, जिसे नवाजुद्दीन उसके फादर की सोल दिखाई देती थी। शी वॉज यू नो स्केरी एज हेल। और इसमें भी वो बच्ची, एंड वो लास्ट में जब हो ना, यू आप जा रहे हो और आपको पता है कि कुछ स्केरी जंप, कुछ की सीन आने वाला है खतरनाक सा, और एकदम से एक छोटी बच्ची की गिगल की आवाज आती है हंसने की, बस की एक हंसती हुई बच्ची यहाँ से वहां गई, हालत खराब उसी टाइम, हालत खराब। ये सच कहूं तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी इस ट्रेलर के लिए, उस एक्सपेक्टेशन को तोड़ के बहुत आगे चला गया ये ट्रेलर। आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम प्रीटी मच इम्प्रेस्ड। मैं ये देखूंगा या नहीं वो पता नहीं, लेकिन अकेले नहीं देखूंगा इतना पता, किसी के साथ देखूंगा। और
दैट्स इट. एक्टर्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं, सारे रिकॉग्नाइज्ड एक्टर्स हैं, एक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं इसमें, तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी. और VFX जो थे इसमें थोड़े बहुत, जैसे वो लड़की पीछे, उसने हाथ लगा के देखा कि उसके पीछे एक वो कोई था जो बैठा हुआ वॉशरूम में, और वो विंडो के ऊपर जो एकदम से गोस्ट आया, तो VFX स्पेशल इफेक्ट CGI वो सब बहुत अच्छा है मूवी का. तो मूवी अच्छे से बनाई हुई है, दैट्स गुड. एंड जो भी वो सीन्स थे सारे, यू नो, जी की लड़की पोजेस हो रही है एंड शी इज़ लाइक स्क्रैचिंग हर हैंड एंड हर नेक, हर बॉडी वो स्क्रैच कर रही है, उसमें कैसे कलर चेंज हो रहा है बॉडी का, और वो उसकी यू नो बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है, ऐसे स्पाइन उसकी बोल रही है, ब्रेक हो रही है, शेप चेंज कर रही है, तो वो सब बहुत इंटरेस्टिंग. ये सब बनाना, क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और एक एक्ट्रेस एक्ट्रेस के लिए ये दिखाना कि वो पोजेस हो रही है, उस तरह की आवाज़ें निकालना, उस तरह की आंखें करना, ऐसे वो बॉडी लैंग्वेज अडाप्ट करना, ये सब एक एक्ट्रेस के लिए बहुत मुश्किल होता है. तो ये सब हो रहा है, इट वॉज डन रियली वेल. सो आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एक्चुअली टू द स्टोरी. ऐसी मूवीज में मुझे स्टोरी बहुत जानने का मन होता है कि एक्चुअली हुआ क्या था, मुझे जानना है. आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि वॉट इज द स्टोरी बिहाइंड इट. क्या वो आत्मा है लड़की, या ये क्या है, वो जो उसमें व्हाट डू यू कॉल इट, कुएं में वो कूदी लड़की, तो क्या वो उसकी सोल थी, या कोई पास्ट फ्लैशबैक था, क्या था, मुझे अब स्टोरी जाननी है. आई जस्ट वांट टू नो. हाँ, मुझे बताइए गाइस, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो अगर आपको मुझे डरते हुए देखना पसंद आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो, जो करना करो. और अगर आप चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर पे, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड इफ यू गाइस वांट, यू कैन सपोर्ट मी ऑन patreon.com. यू रजिस्टर योरसेल्फ एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा फीड सच एज बिहाइंड द सीन्स, ब्लूपर्स एंड एटसेट्रा. एंड दैट्स इट गाइस, आई विल सी यू सून एक नए ट्रेलर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.